Assalamu alaikum, this is Minahil Irfan. I am your computer teacher. Hope you are doing great. We are doing our chapter number 2, that is user interaction. Today our topic is errors. Page number 47, question number 6. आज हमने ना errors निकालने हैं questions में से. सबसे पहला वाला है program हमारे पास. अब ये statement देखें. यहाँ पे कोई गलती, errors basically गलतियों को कहते हैं. के प्रोग्राम्स में से गलतियां निकालना मींस के उसमें से एरर्स निकालना होता है. अब इसमें क्या एरर है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज़ नॉट इनिशियलाइज. ए को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ए की हमने वैल्यू नहीं लिखी, तो ये एक एरर है. इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा जब तक हम लोग उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे. इन्वर्टेड कॉमास इज़ मिसिंग आफ्टर मॉड्यूल डी, कि डी के बाद इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. इस तरह के जब एरर्स आते हैं प्रोग्राम में तो वो प्रोग्राम वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है. अब टू वाला है, सेमी कॉलन इज़ मिसिंग आफ्टर इंट वेरिएबल, कि इंट वेरिएबल के बाद सेमी कॉलन नहीं है जो कि हमने लिखाना है. इनवैलिड सिंटैक्स ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी. ये कभी आपने प्रोग्रामिंग में आप ये इस तरह की वैल्यू नहीं देखोगे कि पहले हमने उसको प्लस किया, माइनस किया और इनिशियलाइज हमने उसको एंड पे किया. नहीं, पहले वैल्यू लिखते हैं लाइक सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी. ये करेक्ट है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी ये नहीं ठीक. तो ये दोनों यहाँ पे एरर है. उसके बाद सी वाला है, डबल क्यूट्स मिसिंग इन प्रिंट ऑफ, डबल क्यूटेशन मार्क इज़ मिसिंग इन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, कि डबल क्यूटेशन मार्क प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में नहीं है. प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में देखें नहीं है ना, मतलब इन्वर्टेड कॉमास. और ये जो ये वाली ब्रैकेट है ना, हैज़ एक्स्ट्रा, एक ब्रैकेट लगी हुई है इस पर, ये एक्स्ट्रा है लास्ट वाली. उसके बाद डी वाला है, स्केयर ब्रैकेट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ पेरेंथेसिस, के करली ब्रैकेट की जगह यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट यूज़ की हुई है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम करेंगे तो ये एरर है, हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा. इन प्रिंट ऑफ फंक्शन ये एक हो गया. फ्लोट वेरिएबल इज़ यूज विद मॉड्यूल डी इन स्कैन एफ. ऊपर हम लोगों ने उसको फ्लोट एफ किया हुआ है ना, तो नीचे हम लोगों ने मॉड्यूल सी क्यों लिखा हुआ है? नहीं ना लिखना था, मॉड्यूल एफ लिखना था. तो यहाँ पे मॉड्यूल एफ़ आना चाहिए था. तो ये प्रोग्राम्स हैं और ये उनके एरर्स हैं. आप लोगों ने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये चौथा वाला प्रोग्राम है और ये उसका सलूशन भी साथ ही. आज की डायरी बस इतनी सी है. आप लोगों ने बस इसमें से प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और उसमें से एरर्स निकालने हैं. एरर्स जब हमारे प्रोग्राम में होंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें उसका आउटपुट नहीं मिलेगा. तो प्रोग्राम को ठीक करने के लिए ध्यान रहे कि उसमें कोई एरर ना हो. अल्लाह हाफिज़.